नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका योग गति चलते चलते योग भारत योग की ये विशेष प्रस्तुति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के उपलक्ष्य में। आज हम बात कर रहे हैं साइनसाइटिस की। साइनसाइटिस की समस्या से कैसे आप योग के माध्यम से निजात पा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना जिंदगी बदल देता है। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अगर आप भी साइनस की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आपको करना है विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को बॉडी के साइड्स में टिका देंगे 90 डिग्री के एंगल पर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। और विरेचन गति के साथ साथ पहले विरेचन गति कीजिए कुछ दिन, और उसके बाद किसी विशेषज्ञ के पास जाके आप नेति का अभ्यास सीखिए, और नेति का अभ्यास भी कर सकते हैं। आपको लेनी है स्टीम, आप नियमित रूप से स्टीम लें, और स्टीम के साथ साथ आपको भाप भी लेनी है। लेकिन किस चीज़ की भाप? आपको लेनी है अजवायन की भाप, और आप लेंगे लौंग की भाप। यानी आप अपने तवे पर थोड़ा सा अजवायन डाल दीजिए, और जो धुआं आए उसको स्मेल करना है। इसी तरह से एक दिन अजवायन की भाप ले लें, एक दिन लौंग की भाप ले लें। आप अपने तवे पर लौंग डाल दीजिए थोड़ी सी, और इससे जो धुआं आएगा उसको आपको स्मेल करना है। तो आप स्टीम भी लें, साथ में आप भाप भी लें। हमारा ये कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने उपयोगी बने।